अब्दुल हादी, आराम करो यार मेरा बेटा। एकदम से ना 100 की स्पीड रख दिया नीचे। कहता कि अभी मुझे ना नीचे छोड़ दिया करो, ऐसे हाथों में वैसे भी बच्चे को उठाए रखो ना तो वो ऐसे तंग करता है, वो कहता है कि रोने लग जाता है, मट्टी में खेलता है। वैसे बच्चे हमारे गांव के बच्चे तो आपको पता है कि मट्टी में खेल के बड़े होते हैं, ऐसे तो फिर वो हेल्दी नहीं होते जब ये खेले ना, नीचे इधर उधर खेलना पड़ता है। लेकिन ये ऊपर सुहाना है इधर, और अम्मी ये सोजिया अभी मैं देख रही हूँ, मैंने कहा कहीं मिट्टी ना खा जाए, ये इसके ख्याल रखते हैं बस। ये ना इधर ये साइड जो है ना थोड़ी मजबूत है, इधर मिट्टी कम है। तो वैस ये देखिए माशाल्लाह हमारी चार पाई जो है ना नई बन गई है, ठीक है। हाँ ये चार पाई अभी नई बनाई है, एक चार पाई और भी पड़ी है, उसका भी इंशाल्लाह वो ऊपर वाला ना अभी ये नहीं लेके आऊंगा, उसका पट्टी लेके आऊंगा जो कि ठंडी ठंडी ऐसे लगे और नरम हो। ये थोड़ा होता है, ये बाण होता है थोड़ा सख्त किस्म का ना। हाँ ये बस इस पे बैठ सकता है, बंदा सो सकता है तो कुछ बिछा के सो सकता है, यानी कि सर्दियों में ठीक है, तो गर्मियों में ये यूज नहीं होता। तो बस फौजिया देखी मैं आज बहुत खुश लग रही है, क्यों खुश है कि इसका भाई जो है ना कल से माशाल्लाह आया हुआ है, ठीक है। तो अभी जा रहे थे सुहेल भाई और मैं, थोड़ा लोधरा में थोड़ा काम था, फिर आके ना आपको व्यूअर्स बताता हूँ कि किस काम से जा रहा हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब बहने और भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो कल ब्लॉग नहीं बनाया, मेहमान आए हुए थे और वैसे भी थोड़ा बिजी था ना, इसलिए आपको पता है कि आपका भाई अकेला है और जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो इसलिए कल का व्लॉग मिसिंग हो गया था। परसों बनाया था, आपको पता है माशाल्लाह हमारी जो है ना मस्जिद में अफ्तियारी थी, आपने देखा होगा बहुत अच्छा सेटअप हो गया था, लंगर तकसीम किया था, सारे आए थे मस्जिद में। मस्जिद अभी माशाल्लाह वो भी तकरीबन कंप्लीट हो गई है, थोड़ा बता काम रह गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। माशाल्लाह आज मौसम बहुत ही प्यारा है और हमारे टोले जो इस बार बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। हाँ व्यूअर्स देखिए हवा चल रही है, प्यारी प्यारी हवा चल रही है, ठीक है। बादल बने हुए हैं लेकिन बारिश का कोई पता नहीं है कि कब आ जाए। रात में भी थोड़ी हल्की फुल्की रिमझिम हुई थी, तो उसके बाद ओए अब्दुल हादी मेहरबानी करो यार, बीमार हो जाओ, इसको उठा लो। वैसे मैं ये मट्टी खाता है तो बीमार हो जाएगा। मैं कह रही थी कि भाई आप काफी सारे पतले हो गए ना। अच्छा ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ना, ये पिछले साल का ये ड्रेस है, उस टाइम ये ड्रेस आपके भाई को नहीं आता था, आपके भाई की सेहत जो है ना थोड़ी उस टाइम अच्छी थी, तो माशाल्लाह रोजा रखे हैं तो लग रहा है कि थोड़ा जो है ना स्मार्ट हो गया। वैसे कोई बात नहीं है जो है ना, फिर 11 महीने बंदा खाता है, 1 महीना आता है माह रमजान का, तो रोजे तो रखने चाहिए इंशाल्लाह। अभी तो आदत बना ली है कि हर साल ही जो है ना रोजे रखने हैं, बस तो जीने का जहान है, कोई पता नहीं होता जिंदगी का कि अगला माह रमजान हमारी जिंदगी में लिखा हुआ है या नहीं है, एक मिनट का भरोसा नहीं है। तो बस यही है कि कोशिश करेंगे इस दफा तो जो है ना जो नेकियों का काम हो सकता है हमें कर ले। अभी सुहाना कहती है भाई लोधरा जा रहे हो, मेरे लिए ना ऊपर से ईद आ रही है, क्रीम ले आना थोड़ा फेस के लिए, नाइट क्रीम कुछ ले आना, अच्छा हो जाए। वैसे गांव में रहते हैं ना तो चीटे तो वैसे ही नहीं होंगे, चलो कुछ अच्छे तो हो जाएंगे। नहीं वो बंदा थोड़ा अपनी केयर करे ना तो बंदा वो बेहतर हो जाता है। आपका भाई भी बस यकीन माने आप कुछ भी नहीं, सिर्फ मुंह धो लेता हूँ बस, यकीन माने मैं तो अभी हिफाजत नहीं करता, अगर मैं हिफाजत करूँ तो मुझे लगता है कि देख के सब जो है ना वे हैरान रहे। तो अभी व्यूअर्स माशाल्लाह सामान लेके आ गए हूँ, दो फैमिलियों की अमानत है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। देखें कि अगर उन्होंने गरीबों की मदद की है ना तो अल्लाह पाक उनको अजर देगा, और गरीबों को देने से कभी भी रिस्क में या किसी चीज में कमी नहीं होती, और भी अल्लाह पाक हर चीज में बरकत डालता है, इजाफा होता है। तो आया क्या था मेरे पास, एक फैमिली की तरफ से
जो है अमानत है, जिसमें मैंने चार घर जो कि ज़रूरतमंद जहाँ पे पानी लगाना है, जिनको पानी की ज़रूरत है, चार घरों में पानी का ये सिस्टम लगेगा। ये देखें बस, ये खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एक पंप है ना व्यूअर्स, इसकी 2 साल वारंटी है, ठीक है। ये हर घर में पानी लगेगा तो ये जो है ना 2 साल की इसकी वारंटी है, जल जाए या ख़राब हो जाए तो इसका क्लेम है, ये वापस हो सकता है। तो देखें, जिन्होंने ये काम किया है ना, तो पूरी ज़िंदगी एक किस्म का कह सकते हैं कि जितना अरसा मर्जी चल जाए, जितना अरसा वो पानी इस्तेमाल करेंगे, पियेंगे, यूज़ करेंगे, घर के कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे, तो उनको दुआ करेंगे। वो अभी तो मैं जाऊंगा, जैसे जैसे जिस घर में लगता आएगा तो आपको जो है ना उसकी वीडियो में दिखाता रहूंगा इंशाल्लाह। लोग अभी तो सिर्फ सारा कुछ मैं अपने घर में लेके आया हूँ, फिर आगे जो है ना इंशाल्लाह कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा आगे जाना, ठीक है। अभी तो सिर्फ अपने घर तक लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको मोटर दिखा रहा था, ठीक है। ये फिर बाद में मैं इसको बंद करके रख लूंगा, आपको दिखा दूं। हाँ, ये थोड़ा सा खोल देता हूँ ना ऊपर से, फिर बंद कर देना। ये देखें वैसे ये चीज है, ठीक है। ये सारी ऐसी हैं। तो हाँ, सारी ऐसे हैं, ठीक है। ये चार एक फैमिली की तरफ से चार घरों में जो है ना लगना है पानी, पानी का वसील, यानी कि पानी चालू होना है चार घरों में इंशाल्लाह। उसके बाद एक फैमिली की मैंने वीडियो दिखाई थी, उधर जो मजदूर थे जिसको उसकी अम्मी ने उठाया हुआ था, उसके लिए ये एक जो है ना व्हील चेयर, ये उसकी व्हील चेयर है, ये कल जाके उसको देनी है, ठीक है। ये उसके लिए व्हील चेयर है, ठीक है। ये एक व्हील चेयर ये उसके लिए था, ये उधर जाके अमानत दे के आऊंगा इंशाल्लाह। बस थोड़ा टाइम तो लगेगा आपके भाई के पास जो है ना, अभी माशाल्लाह बहुत सारी अमानत आ गई है, पहले भी अमानत आ गई थी वो भी दे दी है, ठीक है ना। तो जिन्होंने माशाल्लाह इस चीज़ ने सोचा, उनकी मदद की, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। बस उन्होंने भी दुआ करनी है और मैं भी दुआ कर रहा हूँ, मेरा एक जरिया बन गया है, ठीक है। बीच में मैं आ गया हूँ, मेरा जरिया बन गया, लेकिन जिन्होंने सपोर्ट की है मेरी जरिए से उन तक पहुँचा है, अल्लाह पाक मुझे थोड़ा सा इसका अजर दे दे, मुझे वही बहुत है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जरूर होगा। आप वो दोनों तो कह दिया, लेकिन आप तो सब चीजें कर रहे हैं ना, अल्लाह पाक आपको अजर दे। हाँ इंशाल्लाह, ये पैम वगैरह हैं, ठीक है। ये जैसे जैसे ना उधर घरों में लगाता जाऊंगा, ये बोर का सामान है जो की नीचे बोर होना है जमीन में, ठीक है। ये जमीन में से नीचे से पानी निकलेगा, ये वो सामान है। अभी कुछ और भी आना है, तो अभी मिस्त्री भाई आएंगे, वो अलहदा से उनके पास से टाइम लिया है, वो पता नहीं कल आते हैं या परसों आते हैं। उनको कहा हुआ है कि भाई ये चार घरों में पानी लगाना है, एक 2 दिन का प्रोजेक्ट है, यानी कि एक घर में अगर पानी लगाए ना, उसका नीचे बोर होता है, फिर ये फिटिंग वगैरह 2 दिन लगते हैं एक घर में फिटिंग में। तो बस ये माह रमज़ान से पहले पहले इंशाल्लाह जो है ना एक हफ्ता लगेगा, तो ये सारा कुछ जो है ना मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा जितनी जल्दी हो सके। तो प्लीज़ आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, यही कोशिश है कि जो मुस्तहिक हैं, मैंने भी बस वो घर देखे हैं, यकीन माने मैं भी गरीब बंदा हूँ, गरीबों को ही गरीबों का एहसास होता है। मैं भी इतना कोई वो कहूँ कि बड़ा अमीर नहीं हूँ या कोई इतना नहीं हूँ, शुक्र है अल्लाह का। बस यही है कि ताज़ा रोज़गार है, बन जाता है तो बस घर का निज़ाम है, अच्छा चल जाता है, ठीक है ना। तो बस आप कोशिश करें, जो मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनकी मदद करें, ठीक है। तो अभी एक अंकल थे जो कि इधर मैंने उनकी वीडियो बनाई थी, दोबारा से बनाऊंगा, आप लोगों ने देख लेनी है। ये उनके लिए चेयर है फोल्डिंग वाली, ठीक है। हाँ, ये उनके लिए चेयर है, ये मैं ले कर जाऊँगा, ठीक है।
ये इसमें लग जाता है ना। अच्छा ये एक एक जो है ना व्हील चेयर उसके लिए थी, और एक व्हील चेयर इधर है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। छुरी देना, ये उस अंकल के लिए, दो की वीडियो बनाई थी ना। ये फौजी अभी साथ में गई थी, इसको याद ही नहीं है। हाँ एक एक इधर लड़का था, इस साइड पे था, मैं इस साइड पे गया था, मेरे घर से तो यानी के दूर ही है। जिस टाइम मैं राशन तकसीम करने के लिए निकला था, मुझे नहीं पता था व्यूअर्स कि किसके नसीब में कौन सा राशन लिखा हुआ है, कौन सा डब्बा किसके घर में जाना है, कौन सा डब्बा किसके घर में जाना है। बिस्मिल्लाह करके निकला था, तो जिसकी अमानत थी देना ज़रूरी था, तो आगे से हीला वसीला बनता गया, जो जिसके नसीब में था देता गया, वीडियो बनती गई। तो अभी जो देख रहे हैं तो उस तरीके से जैसे जो जिसकी हेल्प कर रहे हैं ना, आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। बस आप सबसे मुस्तहिक हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनको ज्यादा सवाब मिलता है। हाँ बस मेरा जो है ना यही है कि मैं उन तक ये देखें कि आज कल के दौर में एतबार करना बहुत मुश्किल है। जिन फैमिलियों ने मेरे ऊपर एतबार किया है, इंशाल्लाह एतबार को जो है ना ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, जैसे उन्होंने बताया उस तरीके से करूंगा। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। ठीक है, तो ये चीज एक बताना भूल गया आपको, ये एक साइडों पे आ जाए, मैं दिखाता हूँ। ये जो साइड है ना, ये इस साइड पे करोगे, ये देखें ये लॉक हो गया। ठीक है, ये हिलना बंद हो गया। ये जब ऐसे खोलोगे, अभी देखें ये अभी हिलेगा, ये लॉक हो जाती है दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पे लॉक हो जाती है। एक और है दिखाता, ये फिर मैं बाद में पैक करके ना ऐसे ले जाऊंगा, सिर्फ आपको दिखा दूं एकदम। अभी फिर सायरी का टाइम, अफ्तारी का टाइम भी हो गया, सॉरी सायरी कह रहा हूँ, अफ्तारी में फिर तैयारी भी करनी है। सुहाना आप खरबूजे निकाल लो। हाँ खरबूजे लेके आया था, इधर सब्जी भी लेके आया था, ये भी जरूरी है ना। इसका भाई निकाल से आया हुआ है, तो उसके लिए मैंने कहा जो है ना, उससे मैंने पूछा क्या खाना है, तो उसने कहा कि चिकन में जो है ना मटर डलवा लो, चिकन में मटर डलवा लिए। ठीक है, सबसे अच्छे वाली जो स्टील की है ना, वो वाली खरीद की है, इसके साइडों पे पांव रखने की जगह। हाँ ये भी बस उन लोगों के लिए है जिनके जो है ना पांव नहीं है, उठना उठ बैठना उनका मुश्किल है। फैमिली मेंबर जो है लेके जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा हार्ट होते हैं। एक वो जो आंटी थी ना, यकीन माने इतनी एज उनकी इतनी ज्यादा थी, ऊपर से फिर वो बेटे को उठाती, उठा के बिठाना, उठा के लेके आना, अंदर बाहर छोड़ना कितना मुश्किल था। इस पे बैठ जाएंगे, बाहर भी आ जाएंगे, अंदर भी चले जाएंगे, खुद भी चला के आ जाएंगे। ठीक है, माशाल्लाह हाथ सलामत हैं, हाथों से जो है ना साइड पे ये जैसे कि ये दबाना है तो ये चल जाएगा। सबसे अच्छी वाली जो व्हील चेयर थी वो ये है माशाल्लाह। तो ये जो है ना दो व्हील चेयर है, एक फैमिली की अमानत, और एक फैमिली की अमानत है चार घरों में पानी लगाना, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जितनी कोशिश है मेरी कि हो जाए। तो माशाल्लाह से अभी तैयारी में हम बना रहे हैं, और भाई के लिए मेहमानी में हम बना रहे हैं मटर और चिकन की। अभी मैंने मसाला रेडी करके अभी इसको तड़का लगा दिया है। सुहाना से मैंने कहा आप इधर जो है धनिया बना लें, क्योंकि सब धनिया की चटनी भी बनाएंगे और सालन में भी डालेंगे। और भाई के लिए ख़ास इंतज़ाम भी किया है, क्योंकि वो माशाल्लाह से पूरे भी रोजे रख रहा है ना, तो सब चीज़ें भी लेके आए हैं, तो जल्दी से जो है सालन रेडी कर लेते हैं। उधर से अम्मी जो है रोटियां भी बना लेती है जी। तो पहले भाई आते थे तो हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते थे, लेकिन अभी ना
रोज़े भी रख रहा है तो वो कहता है कि मैंने अभी व्लॉग में नहीं आना, फिर जब आऊँगा ना फिर आऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है भाई। नहीं नहीं, उसकी बीवी जो होने वाली है ना वो नाराज हो जाएगी, आपको पता नहीं है पापा, वो इसलिए नहीं आते व्लॉग में। चले हम जबरदस्ती तो नहीं कह सकते, उनकी मर्जी है ना। चले हर किसी की मर्जी की बात है, हम क्या कह सकते हैं। हम तो बनाते हैं ना आपके लिए व्लॉग, कोई और बनाए चाहे ना बनाए। माशाल्लाह से आज सुहाना है नया सूट पहना है। मैं चले अभी वो जो फैमिली आई थी ना हमारे घर, तो उन्होंने मुझे सूट दिया था गिफ्ट में, तो मैंने कहा चले पहन ले माह रमजान में। हाँ, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ना। अभी सब चीजें जल्दी से रेडी कर ली, ऊपर से टह दिए, अभी थोड़ा बच गया है तैयारी में, बस आधा मुना घंटा ही रह गया होगा। सारा रोटी तैयार करेंगे, बाकी चीजें भी रेडी करेंगे, टाइम भी पूरा हो जाएगा। वैसे भी भाभी माह रमजान तो जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा। हाँ। अभी देखे ना ईद भी आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा जा रहा है माह रमजान। अल्लाह पाक हर कहीं दे रोजे मंजूर करे, अल्लाह पाक हर कहीं को नमाज आप पढ़े सुख दे, अल्लाह पाक साजी दऊ में हर कहीं वास्ते दुआ होती है। हाँ। तो सही सारे वास्ते दुआ की थी करो। हाँ, एक साल के बाद वह रमजान आता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, जब चला जाता है तो बहुत ज्यादा दिल उदास हो जाता है, क्योंकि माह रमजान अपने खुद की रहमतें खुद लेके आता है। इतनी अल्लाह पाक रहमतें होती हैं कि कभी कोई चीज खत्म भी नहीं होती, इतनी बरकतें अल्लाह पाक डाल देता है इसने एक महीने में। जब ये चला जाता है ना दिल को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, लेकिन ना बहुत ही अच्छा लगता है, बंदा रोजा रखता है, फिर सारा दिन गुजर जाता है, तैयारी करता है, बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह।